हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव आपका स्वागत करती हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। प्रेगनेंसी कंसीव करते ही महिलाएं हर मुमकिन कोशिश करती हैं कि उनका बेबी बिल्कुल स्वस्थ हो, और इसलिए महिलाओं को प्रेगनेंसी में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कई बार उन्हें भूख न लगने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसका असर सीधा सीधा उनके बेबी पर पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको प्रेगनेंसी में भूख नहीं लग रही है तो उसके कारण क्या हैं, और आप ऐसा क्या कर सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान भूख लगने की समस्या से आराम मिल जाए। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किन कंडीशंस में डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। तो आप मेरा ये वीडियो पूरा जरूर देखें, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला का वजन बढ़ता है, और प्रेगनेंसी में वजन बढ़ाने का मतलब है कि जो आप खा रहे हैं वो बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से ठीक है। इसलिए एक महिला का आमतौर पर प्रेगनेंसी में 11 से 15 किलो तक वजन बढ़ जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कई ऐसी समस्याएँ भी होती हैं जिसकी वजह से महिलाओं को भूख नहीं लगती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महिलाओं को प्रेगनेंसी में भूख क्यों नहीं लगती है। प्रेगनेंसी कंसीव करते ही महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते ही रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उल्टी या फिर मतली आना, चक्कर आना, घबराहट होना, हार्ट बर्न जैसी समस्याएं होती रहती हैं। इसके अलावा महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीने में खाने से बदबू आने लगती है, जिसकी वजह से उनको भूख नहीं लगती, और लगभग हर महिलाओं को प्रेगनेंसी में इन परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो आप अपनी इस परेशानी का सामना बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि आप प्रेगनेंसी के दौरान अपनी भूख को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड डाइट लेनी है। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में प्रेग्नेंट महिलाओं को काफ़ी मात्रा में लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, और इसलिए उन्हें कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ को ताजे फलों का रस, नारियल पानी, नींबू पानी, अदरक पानी, इन सभी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ले सके। दूसरा, भूख बढ़ाने के लिए आप 6 मील सॉल्यूशन भी ट्राई कर सकती हैं। कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को दिन में 2-3 बार भरपेट खाना खाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान दिन में 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाती हैं तो इससे आपकी भूख बढ़ती है, और आप 6 मील सॉल्यूशन भी ट्राई कर सकती हैं। तीसरा, प्रेगनेंसी में भूख बढ़ाने के लिए महिलाओं को दिन में कई बार हल्का हल्का भोजन करना चाहिए ताकि उन्हें विटामिन्स और न्यूट्रिशंस मिल सके। इसके लिए आप फल, सूखे मेवे, ये सब ले सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में आप वही चीज़ें खाएं जिससे आपको बदबू ना आती हो, वरना आपको उल्टी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा, आपको प्रेगनेंसी में वही चीज़ें खानी हैं जो खाने में आपको अच्छी लगती हैं या फिर जिनका स्वाद आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान दें कि आप वो चीज़ें भी ज़रूर खाएं जिनसे आपको विटामिन्स और न्यूट्रिशंस मिल सके, जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया होगा। पांचवा, प्रेगनेंसी के दौरान आप फास्ट फूड ज़्यादा ना खाएं। ज़्यादातर महिलाओं को पिज्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, जिससे कि आपकी भूख थोड़ी कम हो जाती है। इसके बजाय आप सैलेड, अंगूर, बादाम ऐसी चीज़ें खा सकती हैं जिससे आपको न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे और आपकी भूख भी बढ़ेगी। इसके अलावा आप विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, इनसे भरपूर चीज़ें खाएँ, जैसे कि हरी सब्जियाँ, दूध, बादाम, अंडा, टमाटर, पालक, मटर, खीरा, ये सब आप खा सकते हैं। और अगर आपकी भूख नहीं बढ़ रही है तो आप डॉक्टर से मल्टी विटामिन्स की गोलियां भी ले सकते हैं। अगर ये सब खाने के बाद भी आपकी भूख नहीं बढ़ रही है और आपको सर में दर्द हो रहा हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको न्यूट्रिशंस की कमी होगी तो आपके बच्चे को भी न्यूट्रिशंस कम ही मिलेंगे, जिससे कि उसकी डेवलपमेंट पर भी असर पड़ सकता है। उम्मीद है कि अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगी तो आपको भूख लगने लगेगी और आपके बेबी का भी डेवलपमेंट बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को जल्दी से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।